राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिलहाल न्यूजीलैंड दौरे पर है। वह बुधवार को न्यूजीलैंड पहुंची, जहां विदेश मामलों के मंत्री टॉड मैकलो और भारतीय उच्चायुक्त नीता भूषण ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। गुरुवार को राष्ट्रपति मुर्मू न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल डेम सिंडी कीरो और उप प्रधानमंत्री विंस्टन पीटर्स से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मुर्मू ने उनसे मंत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने वेलिंगटन में न्यूजीलैंड इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्तियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, शिक्षा हमेशा से मेरे दिल के करीब रही है। मैंने शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति को अनुभव किया है। शिक्षा एक सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र के निर्माण का माध्यम भी है। 21वीं सदी के भारत में शिक्षा प्रणाली एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राष्ट्रपति ने आगे कहा कि भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे नेताओं को पैदा किया है जो दुनिया भर में योगदान दे रहे हैं। एजुकेशन हैज ऑलवेज बीन क्लोज टू माय हार्ट। आई हैव सीन एंड एक्सपीरियंस्ड फर्स्ट हैंड द transformative power of education. I grew up in a remote village in India where access to quality education was limited. My parents, despite their humble means, understood the value of education and ensured that I attended school. I was the first woman from my village to receive a college education. It was through their unwavering support and the dedication of my teachers that I was able to pursue higher education and eventually serve my country in various capacities. This personal journey has instilled in me a deep belief in the power of education to uplift individuals and communities.